मार्केट मोमेंटम है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग गेन्स आज मार्केट में देखे जा रहे हैं। 121 अंक के बढ़त के साथ निफ्टी 51 दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप आज सेक्टरल परफॉर्मेंस देखें तो सभी अग्रेसिव सेक्टर्स आज आगे चलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो बैंक्स हो, ऑटो स्टॉक्स हो, मेटल स्टॉक्स में भी बाइंग दिखे, टेलीकॉम स्टॉक्स भी जोरदार मजबूती लेकर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब रुक करेंगे फास्ट मनी अपडेट्स का। और फास्ट मनी शो यानी सुबह 7:30 से 8 के दौरान जो ट्रेडिंग 20 ट्रेडिंग कॉल्स बताई जाती है इंटरडे पर्सपेक्टिव से, उनकी आज जो परफॉर्मेंस रही है वो भी जोरदार रही है। 20 के 20 कॉल्स बाय कॉल दी गई थी, 2 से 14% तक के रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिए हैं। और जिन स्पेसिफिक पॉकेट्स पर बेट किया गया था उन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आज के सत्र में दिखा है। लेकिन कौन से वो प्रिसाइज स्टॉक्स हैं वो जान लेते हैं। इनफैक्ट पूरी हाईलाइट्स के लिए सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, 10 स्टॉक्स आपने बताए थे और इनफैक्ट उनमें से 9 स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया। कमेंडेबल जॉब रही आपकी आज अगर प्रिसाइजली स्टॉक्स पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन पूरी हाईलाइट्स क्या रही है, कौन कौन से स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया आज फास्ट मनी के? धन्यवाद दीपाली। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज मेरा लिंक लंबा भी होगा क्योंकि 20 में से करीब 16-17 शेयर ऐसे हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं जिनका परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिला। कई सारे स्टॉक्स जो संदीप ने बताया था एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। विप्रो में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी संदीप की तरफ से, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 582 रुपये का उन्होंने लक्ष्य बताया था, अभी भी शेयर देखिए 584 पर ट्रेड कर रहा है, यानी टारगेट के ऊपर टिका हुआ है। HOEC तमाम ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स पे आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी मेरे संदीप की तरफ से। HOEC पे मैंने दाव लगाया था, इसने टारगेट को हिट किया। कुछ और स्टॉक्स देखे जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती, एटलस साइकिल, पूरे साइकिल सेक्टर पर मैंने खरीदारी करने से लाई थी, मैंने बहुत ही अग्रेसिव टारगेट दिया भी था। एटलस साइकिल भी तकरीबन टारगेट को हिट ही किया है, 220 का टारगेट था, अब 218-219 का इसने हाई बना, अभी भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करा। इसके अलावा कावेरी सीट पर मेरी तरफ से खरीदारी करने से ला दी गई थी, टारगेट छोटा हो गया, 386 का मैंने लक्ष्य दिया था, शेयर 405 पर ट्रेड करा, जोरदार रैली आज के ट्रेड में देखने को मिली है। इसके अलावा सिलान पर मैंने खरीदारी करने से ला दी थी, इस शेयर ने भी आज के ट्रेड में टारगेट को हिट किया, अभी भी टारगेट के आसपास ही ट्रेड करा, एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स बाकी, शिल्पा मेडिकेयर आज मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी, शेयर में 450 रुपए के लक्ष्य के साथ, लक्ष्य छोटा हो गया, शेयर अभी 485 पे ट्रेड कर रहा है, करीब शेयर में 12-13% की मजबूती देखने को मिली है, जोरदार रैली आया आता हुआ दिखा शेयर में। वेदांता में तब से खरीदारी करने की सलाह दी थी 92 रुपए के लक्ष्य के साथ, मैंने कहा था अब अपने टारगेट को रिवाइज करके चलिए, देखिए 94.55 रुपये पर ट्रेड करा, शेयर दिन के ऊपर स्तर के आसपास, तो कहीं ना कहीं टारगेट आपने रिवाइज किया होगा, तो और अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिला। केन इंडिया में तब से खरीदारी करने की सलाह, टारगेट को हिट किया 157 रुपये के लक्ष्य के साथ, इसमें मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी। कुछ और स्टॉक्स देखे जहाँ खरीदारी करने की सलाह दी थी, अब उन ऑफशोर पर खरीदारी करने की सलाह दी गई थी, जैसा कि मैंने कहा ऑयल ड्रिलिंग स्टॉक्स पर दाव लगाया गया था, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और कुछ और स्टॉक्स बचे हुए हैं जिसमें आज के ट्रेड में खरीदारी करनी, गोल्ड ऑप्शन पर संदीप ने दाव लगाया था, एक अच्छी मजबूती, करीब 44 रुपये का लक्ष्य था, इसको हासिल करता हुआ दिखा। कुछ एक और स्टॉक्स देखिए, ONGC पर मैंने खरीदारी करने से लाई थी, अपस्ट्रीम कंपनी के तौर पर उतारा था, हैवी वेट शेयर था, आज के ट्रेड में इसने भी टारगेट को हिट किया है। कुछ और स्टॉक्स, जोशिल्प को बतौर EPS उतारा, एक शानदार मजबूती, 220 रुपये के बड़े लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। साथ ही जो है मधुकोन प्रोजेक्ट पर संदीप ने दाव लगाया, टारगेट को हिट किया, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, टारगेट के बेहद ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा फ्यूचर लाइफ स्टाइल में खरीदारी करने की संदीप ने सलाह दी थी, टारगेट को हिट किया, इस शेयर ने भी अभी भी देखिए एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करा। ऑल कंट्री ट्रेवलर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी करने सलाह दी गई थी संदीप की तरफ से, इस शेयर ने भी टारगेट को हिट किया। दीपाली, बहुत स्टॉक्स है, बहुत लंबी लिस्ट है, और 20 में से 16-17 स्टॉक्स तो मैंने बता दिए जिसमें आज के ट्रेंड में अच्छी रैली देखने को मिली, काफी है। 20 स्टॉक में से आपने 16 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बता दी है, और ज्यादातर टीसी ज्वेलर्स भी देख लीजिए, बस संदीप ने दाव लगाया था, अभी सडन स्पाइक आता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप ये मत कहिएगा मनीष कि टारगेट अचीव हो गया लेकिन छोटा पड़ गया, मतलब इस बात से दुखी मत होइएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स इन सभी स्टॉक्स ने डिलीवर किए हैं। चलिए शुक्रिया आपका पूरी अपडेट बताने के लिए। तो हर रोज देखिए 7:30 से 8 के दौरान हमारा खास शो फास्ट मनी, जहां पर चुनिंदा 20 ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताई जाती है।